नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की खबर में और मैं हूँ आपके साथ गौरांशु श्रीवास्तव। दिल्ली में जो ट्रिपल मर्डर केस हुआ उसने सबके रोंगटे खड़े करके रख दिए। एक बेटा जिसने अपने माँ बाप की और बहन की निर्ममता से हत्या कर दी, उसके जो मामले अब सामने आ रहे हैं वो आपको चौंका देंगे। दरअसल उसे 1% यानी रत्ती भर भी इस बात का दुख नहीं है कि उसने अपने माँ बाप को और बहन को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही साथ जो बात सामने आई है वो ये है कि वो पबजी गेम का बहुत बड़ा शौकीन था, उसको लत थी पबजी की। इसके साथ ही वो पुलिस से सिर्फ और सिर्फ एक गुजारिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से उसे कानून से बचा लिया जाए। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अपने माँ बाप और बहन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए 19 साल के युवक को ऑनलाइन गेम पबजी खेलने की लत थी और उसने महरौली में किराए पर एक मकान भी ले रखा था जिसमें वो कक्षा से गायब होकर अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताता था। सूरज ने बुधवार तड़के अपने पिता मिथिलेश, माँ सिया और बहन की कथित तौर पर हत्या कर दी थी और घर में तोड़फोड़ की थी ताकि लगे कि वहां पर लूटपाट हुई है, लेकिन बुधवार शाम को ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी में कोई भी पछतावा नहीं दिख रहा है और वो लगातार कह रहा है कि कृपया मुझे कानून से बचा लें। काफी लंबे समय से अपने माता पिता से एक तरीके से ये बोलता है कि मैं परेशान था क्योंकि वो मुझे कहीं आने जाने नहीं देते थे और छोटी सी बात पे पिटाई हो जाती थी। आपको बता दें कि सूरज के परिजनों का गुरुवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया था, लेकिन उसके रिश्तेदारों ने अदालत से अनुरोध नहीं किया कि उसे अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी जाए। मिथिलेश के भाई और भतीजे ने अंतिम संस्कार किया। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि सूरज का एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें 9-10 दोस्त थे। इस ग्रुप में लड़कियां भी थीं। वो इसमें क्लास से गायब होकर घूमने फिरने की योजनाएं बनाते थे। आप देखना यह होगा कि आरोपी सूरज को कब और कैसे सजा मिलती है, क्योंकि उसका गुनाह उसकी उम्र से ज्यादा बड़ा है। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज की खबर लखनऊ।